हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा पैराजमल यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में आप किसी भी पैराजम्बल को मीन्स कि किसी भी रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने के लिए बताता हूँ। आइए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो सेंटेंस होते हैं 6 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटेंस में इतना जान लीजिए कि पहला जो वर्ड होगा, पहला जो सेंटेंस होगा, या तो वो नाउन होगा, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट कोई सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट कोई सेंटेंस होगा। ठीक है, पहला चीज़ आप जान लें कि पहला या तो नाउन होगा या इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा इसी नाउन का क्या होगा, प्रोनाउन होगा, है ना, इसी नाउन का क्या होगा, प्रोनाउन होगा, जो कि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन का, नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता, उसको जगह इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जिसकी जगह पे वो आता है। ठीक है, नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो नाउन होगा या फिर कोई इंडिपेंडेंट वर्ड होगा, सेकंड में आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है, और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपका सेंट्रल पार्ट का वर्ड होगा। ठीक है, मिडिल पार्ट का वर्ड होगा। तो मिडिल पार्ट में क्या आता है, जैसे कि आपका हैंस हो गया, ठीक है, हाउ एवर हो गया, हाउ एवर जैसे वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, सेंटर पार्ट के होते हैं। तो ये जो सेंटर पार्ट के होते हैं, ये चाहे तो ये थर्ड पार्ट में होगा या फोर्थ पार्ट में होगा या फिफ्थ पार्ट में होगा। ठीक है, लास्ट में जो होगा आपका कॉन्क्लूज़न होगा, लास्ट में क्या होगा, कॉन्क्लूज़न, जैसे कि आपका कॉन्क्लूज़न में जैसे 10 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर हो गया, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपका कॉन्क्लूज़न होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो तो चाहे तो इंडिपेंडेंट होगा या नाउन होगा, सेकेंड आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है, जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा या उसके जगह पे आएगा, थर्ड फोर्थ फाइव में कहीं पे भी मिडिल पार्ट में हो सकता है, जैसे कि हाउ एवर हेंस हो सकता है। उसके बाद लास्ट जो पार्ट होगा वो होगा कंक्लूजन, जैसे कि दस देयरफॉर होता है ऐसे वर्ड। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2-3 बातें जो बताया वो उसमें सेंटेंस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कंक्लूजन होगा, ठीक है, कंक्लूजन होगा, ठीक, यहाँ तक तो आपने समझे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये ई पार्ट में सेंटेंस में, ये तो हो गया आपका लास्ट पार्ट, कॉन्क्लूजन वाला पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये तो आपका ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही होगा ये सेंटेंस, और ये वाला तो आपका लास्ट सेंटेंस होगा। अब आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट पार्ट जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ड्राफ्ट रेसिस्टेंस कुड बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई कि अब डेवलपमेंट ऑफ ड्राफ्ट की बात किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ड्राफ्ट रेसिस्टेंस मीन्स कि जो सूखा को, अगर सूखा की रोकथाम की उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स का, तो उसके पहले किसी चीज़ की जिक्र हुई होगी कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट की बात हुई थी, ये तो होगा नहीं सेंटेंस। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस में होगा नहीं। ठीक है, सेकंड हैंस मैंने अभी बताया कि ये तो चाहे तो ये थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में ही होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब दिस वाला पार्ट है होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई नाउन आना चाहिए, क्योंकि दिस क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। इन्वायरमेंट दस, तो ये आपको मैं बता दें कि लास्ट पार्ट होगा, ये सेंट्रल पार्ट होगा, तो ये पार्ट होगा लास्ट वाला पार्ट। अब ये जो देखिए ये एफ वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका जो होगा, ये तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि देर से तो शुरू होगा नहीं है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, फिर से इम्पैक्ट की बात कहा जाए, तो उसके पहले कोई तो एक इंडिपेंडेंट वर्ड सेंटेंस होगा ना। तो देखिए इंडिपेंडेंट जो आपका सेंटेंस होगा ये होगा फर्स्ट वाला। क्लियर, आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट जो ये सी हो गया आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, नोट कर लीजिएगा, सी हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद कि इंडिया हैज़ टू बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, अब बात यहाँ हुआ है कि इंडिया का जो है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6, बात होती है कि ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, इंडिया हैज़ टू बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में इंडिया को क्या होना चाहिए,
कंसर्न होना चाहिए, इंडिया को इस बारे में कंसर्न होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए क्लाइमेट चेंज पे। अगर क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पे हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि अगर क्लाइमेट चेंज का बात हुआ है तो उससे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। क्लाइमेट चेंज मीन्स कि क्या, ग्लोबल वार्मिंग का वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई अगर इंडिया हैज़ टू बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, अगर इसके बारे में वो ध्यान देता है, अगर नहीं है ना इसके बारे में उसे ध्यान देना चाहिए, क्यों, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट। नहीं तो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो इसका क्या होगा, एडवर्स इम्पैक्ट तो होगा ना, क्या होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा ना। तो सेकंड पार्ट तो ये हो गया कि भाई इसका जो होगा सेकंड पार्ट एफ होगा कि एडवर्स इम्पैक्ट हो गया इसका, क्लियर। अब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर विच कुड डिटर ग्रोथ, ये क्या करेगा, अगर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। एडवर्स इम्पैक्ट जो कि यहाँ पे क्या है, एक इम्पैक्ट क्या है, ये नाउन है, मैंने अभी बताया था कि नाउन को क्वालिफाई करेगा प्रोनाउन, और इसी इम्पैक्ट की बात यहाँ पे किया गया है थर्ड वाले वर्ड में कि दिस इम्पैक्ट कैन रन इनटू डिकेड्स एंड कंट्रीज, ठीक है, और इस इम्पैक्ट का सामना कई वर्षों तक करना पड़ सकता है, इसका प्रभाव का सामना कई वर्षों तक करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया आपका थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे हो गया डी, ठीक है, डी हो गया आपका थर्ड, ठीक। और मैंने आपको ये जो हैंस वाला वर्ड यहाँ पे मैंने 10 वाला एक वर्ड बताया था, ये तो आपका होगा 6 वाला पार्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ये तो ई होगा, तो आपका सी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, ई हो गया, फोर्थ और फाइव की बात होगी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये दिस का बात होगी कि दिस इम्पैक्ट कैन रन इनटू डिकेड्स एंड सेंचुरीज, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पे दिस इम्पैक्ट कैन रन इनटू डिकेड एंड सेंचुरीज, मीन्स कि इसका सामना कई वर्षों तक, इसका प्रभाव का सामना यहाँ पे जो इसका जो है प्रभाव का सामना कई वर्षों तक करना पड़ सकता है। रन इनटू मीन्स की टू फेस, रन इनटू का मतलब देख लीजिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ किया गया, टू फेस, तो फेस किया करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चूँकि द ह्यूमन रेस हैज़ नो चॉइस बट टू अडेप्ट दीज इम्पैक्ट, इसी इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे, जो इम्पैक्ट जो बात की गई थी यहाँ पे, दिस इम्पैक्ट का रन इनटू डिकेड्स एंड सेंचुरीज, तो इन्हीं इम्पैक्ट का जो है जो दशकों तक या वर्षों तक कई सौ सालों तक इसका इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि की बात किया गया है, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है, आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा बी, कि इस चूँकि द ह्यूमन रेस हैज़ नो चॉइस, क्योंकि ह्यूमन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस इम्पैक्ट को अडेप्ट करने के सिवा, ठीक है। दिस इम्पैक्ट मीन्स कि इसी जो इम्पैक्ट की, दिस इम्पैक्ट का रन इनटू डिकेड्स एंड सेंचुरीज, चूँकि यहाँ पे डिकेड्स एंड सेंचुरीज की बात की गई थी, उसी दीज इसलिए कहा गया कि यहाँ पे ये प्लोरल था, और इसी प्लोरल जो था यहाँ पे इम्पैक्ट का जो प्रभाव पड़ा था कई वर्षों तक, कई दशकों तक, कई सेंचुरी तक, उसी का यहाँ पे कहा गया कि जितने भी दीज इम्पैक्ट, इन्हीं इम्पैक्ट की बात कहा गया कि क्योंकि ह्यूमन के पास दे रहा, द ह्यूमन हैज़ नो चॉइस बट टू अडेप्ट टू दीज इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर इम्पैक्ट जो, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट, डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंस, कहने का मतलब ये जो है सूखा का जो रोकथाम का डेवलपमेंट ही इसको क्या कर सकता है, बेनिफिट कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को। अगर इंडिया, अगर ह्यूमन के पास कोई और चॉइस नहीं होता है इस इम्पैक्ट को मीन्स कि दिस इम्पैक्ट को क्या करने पे, अडेप्ट करने के सिवा, तो अब उसके पास क्या हो सकता है, अगर ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन के पास तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं, एक ही विकल्प हो सकता है, वो है ड्रॉट रेजिस्टेंस। यहाँ पे उसी की बात कही कि एक है इसका जो जो क्लाइमेट चेंज है, जो सूखा पड़ रहा है जिससे कि फसल नहीं हो पा रहे और इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये कई वर्षों, सौ सालों तक, दशकों तक ये चलता चलेगा, तो उसका जो है एक ही उपाय है, एक ही उपाय वो क्या है यहाँ पे, ड्रॉट रेजिस्टेंस में कि सूखा का रोकथाम कुड बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट, हो जाएगा यहाँ पे फाइव नंबर, ठीक है, पाँचवा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो सी एफ डी बी ए ई, सी एफ डी बी ए ई नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ सेंटेंस कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से,
तो आइए देखिए इसको कैसे फिल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपका सी जो है सी एफ डी बी ए ई, ठीक है, बी ए ई मीन्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस की बात किया गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो फिफ्थ सेंटेंस कौन सा होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन। जब आप अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने एक शानदार सा यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने होगा, बस एक बार देखोगे क्लिक आंसर होगा और 5 out of 5 आ जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। अब थर्ड सेंटेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी वाला है, बस डी को टिक कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। सेकेंड सेंटेंस कौन सा है मेरा, यहाँ पे दूसरा, मीन्स कि यहाँ पे एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और एफ को टिक कर देते हैं, है ना, एफ को टिक कर देते हैं सेकंड सेंटेंस। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, ठीक। तो लास्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि कौन सा था, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से याद रहे, सी एफ डी बी ए ई, मीन्स की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। सिक्स की बात कहा गया ना, सिक्स में देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, ई पार्ट। तो गाइज देखिए कैसे विद इन आप 2 मिनट में एक पैराग्राफ को या रीअरेंजमेंट को कैसे आप सॉल्व करते हैं। अरेंजमेंट का एक बार हो जाए ठीक तो आपका 5 out of 5 आपको पक्के हो जाएंगे। अगर किसी कारण से आपका अरेंजमेंट में एक आध चूक हो भी गया तो इतना मान के चलना कि 5 out of 3 तो ज़रूर आ जाएंगे। होता है कभी कभी, कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में है और आपको इतनी प्रेशर है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, तो चलो ठीक है अगर एक आध मिस्टेक भी होता है, क्योंकि इसको जब अरेंज करोगे ना तो एक अगर 3 अरेंजमेंट हो जाते तो 2 ही गलत होते, तो चलो 2 का हाफ मार्क्स भी कट जाता है तो 5 में 2.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।